नमस्कार मित्रों, कक्षा 8 की 9वीं इकाई ममता। ममता का जो ममता कहानी है, इस इकाई के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। वे एक वैश्य परिवार में जन्मे थे। वैश्य परिवार यानी कि व्यवसाय करने वाले, इसलिए जयशंकर प्रसाद को सुंगनी शाहू उपनाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके पिताजी एक वैश्य परिवार के थे, यानी कि व्यवसाय करने वाले। व्यवसाय में उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास आदि उन्होंने लिखा है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 में हुआ था। जीवन साथी का नाम कमला देवी था। माना जाता है कि हमारे आलोचकों ने कहा है कि हिंदी के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ थे, वो थे जयशंकर प्रसाद। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उन्होंने बहुत काव्य संग्रह भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। और उनके प्रमुख नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और कामायनी है। कामायनी उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद रचित इस कहानी यानी कि ममता, जो आठवीं कक्षा में ममता जो कहानी जयशंकर प्रसाद रचित ली गई है, तो ये ममता मुख्य नायिका है। इस कहानी की मुख्य नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चुड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। रोहतास दुर्ग के मंत्री थे चुड़ामणि और चुड़ामणि की पुत्री का नाम था ममता और ममता विधवा थी। विधवा होने के कारण उनके पिता चुड़ामणि बहुत दुखी थे। स्नेहपालिता यानी कि पुत्री, वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। चुड़ामणि अपनी पुत्री विधवा ममता का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए गए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। अपने पिता भविष्य की चिंता करते हुए, भविष्य को सुरक्षित रखते हुए ममता को वो स्वर्ण हार उपहार में देते हैं, लेकिन ममता उसे अस्वीकार करती है और वो लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर दिया। उनके पिता स्वर्ण उपहार देने के लिए ममता के पास आते हैं, ममता उसका अस्वीकार करती है। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग पर क्या हो जाता है, पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चुड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वही रहने लगी।
लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी और उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। इस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उनके उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। अतिथि देवो भव की भावना सार्थक करती हुई ममता, भले ही वह विधवा है लेकिन अत्यंत दुखी होने के कारण भी अतिथि देवो भव की भावना वो सार्थक करती है। तो ऐसी कहानी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। रोहतास दुर्ग यानी दुर्ग यानी किला, प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ यानी कि भवन के फाटक के पास का कमरा। दुर्ग के रोहतास दुर्ग में ममता भवन के पास यानी कि एक घर में प्रकोष्ठ में बैठी है, लेकिन शोण शोण यानी नदी का नाम है, तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह, जैसे शोण नदी गंभीर प्रवाह में चल रही है वैसे ही ममता दुखी है, विधवा है, इसलिए अपने दुखों में वो शोण गंभीर प्रवाह में दुखी हुई है। ममता के मन में वेदना है, मस्तक में आंधी है, आंखों में पानी की बरसात लिए वे विकल थी। ममता बैठी बैठी अपने विचारों में खोई हुई है। मन में वेदना है, मस्तक में आंधी तूफान चल रहा है, आंखों में पानी की बरसात लिए वे वह विकल थी, दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चुड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। रोहतास दुर्ग किले के मंत्री थे, मंत्री का नाम था चुड़ामणि और चुड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी पुत्री थी। इसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहा था, कोई भी दुख हो तो उसके पिता उस दुख को दूर कर सकते थे, लेकिन वह विधवा थी, इस दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। उसके विलंबना का अंत कहा था। एक तरफ वो विधवा थी, उसके पिता रोहतास दुर्ग के मंत्री थे, कोई बात का दुख नहीं था, लेकिन वह विधवा थी, इस बात का भयंकर दुख था। चुड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चुड़ामणि अपनी पुत्री विधवा पुत्री ममता के पास यानी कि प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। स्वर्ण के प्रवाह और उनके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में भी सुधी थी। ममता बैठे बैठे विचारों में खोई हुई है। उनके पिता प्रकोष्ठ में आते हैं और पिता ममता को देखकर बहुत दुखी होते हैं। पिता का आना जान न सकी ममता जहाँ बैठी थी, उनके पिता प्रकोष्ठ में आते हैं, पिता का आना ममता जान न सकी। चुड़ामणि व्यथित उठे, अपनी विधवा पुत्री को देखकर अपनी दुखी पुत्री को देखकर चुड़ामणि व्यथित दुखी हो जाते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, पुत्री के लिए वो क्या करे। वह स्थिर न रह सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। वो जहाँ
खड़े थे वहाँ स्थिर रह न सकते थे, इसलिए अपनी पुत्री को छोड़कर, प्रकोष्ठ को छोड़कर वो बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। विधवा थी पुत्री, इसलिए वो बहुत दुखी थे, दुश्चिंता, बहुत चिंता लगी हुई लगी थी अपनी पुत्री को, पुत्री की पैर चुड़ामने के पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। पहर, आप बोलते हैं ना कई इंसानों को 24 घंटे, 24 पहर यानी कि 8 पहर, उससे तो आनंद ही होता है। एक पहर यानी कि 3 घंटे का समय, यानी कि हमारे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के 8 पहर होते हैं, दिन के 4 और रात के 4, इस प्रकार हमारे 8 प्रहर होते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि उसको तो आठों पहर आनंद ही आनंद है। इसलिए ममता के पिता चुड़ामणि एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत जाने के बाद उनके पिता वापस आते हैं। उस समय इनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। ममता के पिता प्रकोष्ठ में आते हैं, उनके साथ उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। पद शब्द यानी कि पद कोई चलने की आवाज़, यानी कि उनके पिता का आना, जो पद शब्द थे सुनकर ममता घूमकर उनके पिता के सामने देखती है। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया, अनुचर थाल रखकर चले गए। मंत्री ने अपनी पुत्री ममता के सामने अपने अनुचरों को थाल नीचे रखने का संकेत दिया, इशारा किया, वो अनुचर थाल रखकर वहाँ से चले जाते हैं। ममता ने पूछा अपने पिता से, यह क्या है पिताजी, पिताजी यह थालों में क्या है, तेरे लिए है बेटी। पिताजी चुड़ामणि ममता को उत्तर देते हैं और कहते हैं, तेरे लिए है, उपहार है। कहकर चुड़ामणि ने आवरण उलट दिया, थालों पर आवरण ढका हुआ था, वो आवरण उलट दिया और कहा कि बेटी तुम्हारे लिए उपहार, यानी कि तुम्हारे लिए यह भेंट है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण पीला होता है तो स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। ममता अपने पिता को कहती है कि पिता इतना स्वर्ण आप कहाँ से लाए, कहाँ से आया इतना स्वर्ण। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। ममता तुम चुप रहो, यह स्वर्ण यह सोना तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोष स्वीकार कर लिया। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। पिताजी आपने शत्रु का उत्कोष स्वीकार कर लिया, शत्रु की रिश्वत आपने स्वीकार कर ली, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। पिताजी ये अर्थ नहीं है, अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। पिताजी यह सोना आप लौटा दीजिए, हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे। इस अब ममता के पिता चुड़ामणि उत्तर देते हैं, कहते हैं इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। इस सामंत वंश का अंत अभी समीप है। पतनोन्मुख, पतन की ओर जिनका मुख हो उसे पतनोन्मुख कहते हैं, तो ये सामंत वंश का अंत अभी नजीक है, इसलिए तो तुम्हारे लिए ये सुनो सोने का जो स्वर्ण की भेंट में तुम्हें देने आया हूँ वो तुम ले लो, और ये सामंत वंश का अंत अभी अभी समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार के लिए आ सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी।
अभी शेषा रोहतास दुर्ग पर अधिकार करने कर सकता है, इसलिए वहाँ दिन वो दिन नज़दीकी है, वो सामंत वंश का पतन नज़दीकी है, इसलिए इस दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए ये सोनों का थाल लेके आया हूँ, इस दिन के लिए, इसलिए बेटी तू ये सोनों का थाल तू रख दे। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। ममता कहती, हे भगवान, विपद यानी दुख के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? पिताजी, मान लो कि शेरशाह रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करता है, रोहतास दुर्ग को अपने कब्जे में वो ले लेता है, तो हमें क्या भीख न मिलेगी? और विपद के लिए इतना बड़ा आयोजन, ये मैं मंजूर नहीं करने वाली हूँ। इसलिए क्या कोई हमें दो मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। उनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। पिताजी, ये सोने की थाल है, उसे ले जाओ, उसकी पीले की जो चमक है मेरी आंखों को अंधा बना रही है, इसलिए तुम उसे ले जाओ। हम विपत्ति के समय हमें कोई दो मुट्ठी अन्न का दाना न देगा, ये असंभव है, मैं उसे स्वीकार करती नहीं हूँ, इसे ले जाओ। ममता ऐसा उनके पिते यानी कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चुड़ामणी को कहती है। चुड़ामणी कहता है, मूर्ख है, कहकर चुड़ामणी चले गए। विधवा तो मूर्ख, ममता तो मूर्ख है, ऐसा कहकर चुड़ामणी चले जाते हैं। दूसरे दिन जब ढोलियों का ताता आ रहा था, ताता यानी कतार आ रही थी, मंत्री चुड़ामणी का हृदय धक धक करने लगा। मंत्री चुड़ामणी का हृदय धक धक करने लगा, वे अपने को रोक न सके। मंत्री चुड़ामणी अपने को रोक न सके, उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। दरवाजे यानी कि घेट पर, दरवाजे पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। रोहतास दुर्ग को मालूम, चुड़ामणी को मालूम हो गया था कि इस डोलियों में महिलाएं नहीं है, इसमें कुछ न कुछ अन्य पठानों ने कोई साजिश रची हुई है, इसलिए उन्होंने तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। लेकिन पठानों ने कहा कि चुड़ामणी, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। बात बढ़ गई। चुड़ामणी कहते, नहीं, मैं महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मुझे डोलियों में क्या है मुझे देखना है, महिलाएं हैं या कुछ अन्य है। इसलिए पठान कहते हैं कि हम डोलियों का आवरण नहीं खुलवा नहीं देंगे। तो चुड़ामणी कहता है कि मैं आवरण खुलकर ही रहूँगा। बात बढ़ती है और बात बढ़ गई, तलवारें खींची गई, मंत्री वही मारे गए। तोरण पर, दरवाजे के तोरण पर मंत्री मारे जाते हैं। राजा रानी और कोश सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। राजा रानी और जो राज खजाने का राजकोष था, वो छली शेरशाह के हाथ पड़ता है। निकल गई ममता, वहाँ से ममता निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता ना मिली। पठान मुगल पठान दुर्ग भर में फैल जाते हैं, लेकिन कहीं पर ममता नहीं मिलती। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृक्ष्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेरों में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। वहाँ से ममता भाग जाती है। रोहतास दुर्ग पर शेरशाह ने अपना अधिकार जमा लिया। शेरशाह के जो सैनिक थे दुर्ग पर में फैल जाते हैं, ममता को ढूंढते हैं, लेकिन ममता कहीं
मिलती नहीं है, ममता वहाँ से भाग जाती है। और काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार है जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले ममता वहाँ से काशी में चले जाती है और खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्म में, तृण गुल्म यानी घास का समूह झाड़ी में ममता अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती है। प्राचीन ईंटों और ढेरों में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिमा चंद्रिका को स्वयं को शीतल कर रही थी। ममता वहाँ जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षुक पहले मिले थे, जहाँ ममता काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार में अपना जीवन व्यतीत करती है, वहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप में भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपा आलोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। दीप का प्रकाश करती हुई झोपड़ी में स्तूप की भग्नावेश यानी कि भग्न अवस्था में मलिन छाया में काली छाया में एक झोपड़ी में दीप आलोक दीप के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यो स्थितवंतो या मा ये जना पारियो पास्ते तेसा अनुभी निन्याभ्युत्कना योगक्षेम वहाग्न्यामय, भगवद गीता में से भगवद गीता का पाठ कर रही थी। वो कहती थी कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ। ऐसा पाठ ममता धर्म चक्र विहार गौतम बुद्ध के उपदेश के ग्रहण करने के लिए जो पंचवर्षीय वर्गीय भिक्षु जहाँ मिले थे, एक झोपड़ी में बैठी हुई दीप के आलोक में वो स्त्री पाठ कर रही थी, वो कोई नहीं ममता थी। पाठ रुक गया, पाठ रुकता है, एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी। पाठ रुकता है, एक भीषण और हताश आकृति ममता के सामने आकर दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट यानी दरवाजा, झोपड़ी का दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, जो कपाट के सामने झोपड़ी के सामने एक भीषण हताश आकृति ममता के सामने खड़ी हो जाती है और ममता खड़ी होकर वो कपाट बंद करना चाहती है, तो उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। हताश और भीषण आकृति माता को कहते हैं कि माता मुझे आश्रय चाहिए, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। ममता कहती है कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। कि मैं मुगल हूँ, चौथा युद्ध में शेरशाह से विपन्न संकटग्रस्त, विपन्न यानी संकटग्रस्त होकर मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ माते, इस रात मैं आगे चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे आश्रय चाहिए। क्या शेरशाह? ममता भी शेरशाह का नाम सुनकर स्त्री ने अपने ओठ काट लिए, वो भी आश्चर्यचकित हो गई, ओठ काट लिए, वो भी स्तंभ हो गई। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। शेरशाह का नाम सुनते ही ममता के ओठ काट ले गए, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है। कैसे? ममता कहती है कि मेरी झोपड़ी में स्थान नहीं है,
जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, दूसरी ओर तुम अपना आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, छाती छूट गए हैं। कैसे मेरा मुगल कहता है कि गला सूख रहा है, छाती मेरे जो साथी है वो छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, अश्व यानी कि घोड़ा गिर गए हैं, इतना थका हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। वो मुगल इतना हुआ, इतना थका हुआ था, बात करते करते वो धराम दम करता, वो ममता के सामने, ममता के झोंपड़ी के सामने बैठ जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, ममता के सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, यह दुख। स्त्री ममता कहती कि यह विपत्ति, यह दुख कहाँ से आया। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जल दिया और मुगल की प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं है। ममता सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिताजी का वध करने वाले आता ताई घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। मेरे पिता का वध करने वाले ये आताशाही घृणा से उनका मन विरक्त हो जाता है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। ममता ने इस मुगल को पानी पिलाया। फिर ममता सोचने लगी कि ये लोग दया के पात्र नहीं होते, मेरे पिता के वध करने वाले ही मुगल था, इसलिए मुगलों पर दया करनी नहीं चाहिए। स्वस्थ होकर मुगल कहता है, पानी पीता है, वो स्वच्छ हो जाता है। और मुगल कहता है, तो मैं फिर यहाँ से चला जाता हूँ माँ, आप बोलती है तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। स्त्री विचार कर रही थी, मुगल यानी सॉरी ममता विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण ही हूँ, मुझे अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। मैं ब्राह्मण ही हूँ, मेरा धर्म है कि अतिथि देव भव का जो धर्म है मेरा, उसका मुझे सत्कार करना चाहिए। मैं अपने धर्म का पालन मुझे करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। ममता अपने मन में ऐसा विचार करती कि वो बात सही है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे मेरे धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन फिर से वो मन ही मन, नहीं, ये लोग दया के पात्र नहीं होते, कर्तव्य करना है। ममता अपने दिल में, यह धर्म नहीं है, यह कर्तव्य है। इसलिए तब मुगल अपनी तलवार टेकर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। ममता के सामने जो मुगल तलवार टेक कर खड़ा होता है और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करोगे। मुझे मुगलों पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम भी छल करोगे, क्या आश्चर्य, ठहरो। ऐसा ममता कहते, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे क्या पता कि तुम भी छल मेरे साथ न करोगे। मुगल कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हो, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हो भाग्य कह के ले। मैं तैमूर का वंशधारी हूँ, स्त्री के छात छल खपट नहीं करूँगा, के भाग्य का खेल है। ऐसा मुगल शेरशाह सॉरी हुमायूं कहता है। ममता ने कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ममता कहते हैं कि यहाँ कौन सा दुर्ग है जो दुर्ग लेने के लिए मेरे साथ छल खपट करेगा, यह तो झोपड़ी है ना, चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, ममता कहती है, हे थके हुए पथिक, भीतर जाओ और आराम करो। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय सहारा देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं क्या भी अपना धर्म छोड़ दूँ, सभी लोग अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या अपना धर्म छोड़ दूँ। मुगल ने
चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। जो मुगल भीतर जाता है आराम करने के लिए, तो मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल, ममता का मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। मुगल ने ममता को मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। ममता मुगल को आश्रय देती है। मुगल भीतर जाकर आराम करने, भीतर आराम करने के लिए जाता है। मुगल मंद प्रकाश में ममता को मन ही मन नमस्कार करता है। पास की टूटी हुई दीवारों में ममता चली जाती है। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। भीतर जाकर थके हुए पथिक ने झोंपड़ी में जाकर विश्राम किया, आराम किया। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मुख्यता पर स्वयं को कोसने लगी। प्रभात यानी सुबह सवेरा, प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सुबह में ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही घुड़सवार होकर इस प्रदेश में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। ममता अपने ही आप को कोसने लगी। सैकड़ों अश्वारोही को देखते ही एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं वहां यहां हूं। ममता ने उस मुगल को जिस झोपड़ी में आश्रय दिया था, सुबह में सैकड़ों अश्वारोही उसे ढूंढते थे, एकाएक झोपड़ी से निकलकर पथिक ने आवाज़ दी और कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। पथिक को देखकर सारे प्रदेश में, सारे प्रांत में चीत्कार उठी। ध्वनि से पूरा प्रदेश गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत डरी हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? पथिक अश्वारोहियों के पास जाता है, मिर्जा को बुलाता है, मिर्जा को कहता है कि मिर्जा मैं वहाँ हूँ। सारे सैकड़ों अश्वारोही उस झुपड़ी के आसपास आ जाते हैं और पथिक, ममता डरी हुई, ममता डर जाती है और पथिक कहता है अपने सैकड़ों अश्वारोहियों के सामने, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। पथिक मिर्जा को और अन्य सैनिकों को कहता है कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता छिपने के लिए सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी शिकारियों से, भय से मृगों को छिपने की, वह जिसमें पर्याप्त मृग रहते हो, शिकारियों से बचने के लिए जो जगह होती है जंगल में, उसे मृगदाव कहते हैं। मृगदाव में चली गई। दिन भर इनमें से न निकली। ममता मृगदाव में चली जाती है, दिन भर वो नहीं, इसमें से नहीं निकलती है। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। संध्या के समय वे लोग यहाँ से जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। मिर्जा जिस स्त्री ने एक रात को मुझे आश्रय दिया, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया पा। क्योंकि मिर्जा को वो पथिक कहता है, घोड़े पर सवार होते कहता है कि मिर्जा मैं स्त्री को कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति यानी दुख में यहाँ आश्रय पाया था। इस झोपड़ी
की जगह तुम उसका घर बनवा देना, यह स्थान मत भूलना, ऐसा पथिक मिर्जा को कहता है। उसके बाद वे वहाँ से चले गए। इतना कहकर पथिक और उनके अन्य अश्वारोही अन्य सैनिक चले जाते हैं। चौथा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, अधिक दिन बीत जाते हैं। चौथा के मुगल पठान युद्ध के बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, ममता की अब उम्र 70 वर्ष की है। वह एक दिन अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, शीतकाल का प्रभाव था। एक दिन अपनी झोपड़ी में वो पड़ी थी, शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। वो 70 साल की हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, शीतकाल का प्रभाव था। उसका जो जीर्ण कंकाल यानी कि शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता अब 70 वर्ष की हो गई थी, उनका जो शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए आस पास के गांवों में से 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी और ममता की सेवा कर रही थी, क्योंकि ममता ने आजीवन गांव के आसपास के गांव के स्त्रियों और भले अच्छे लोगों की सेवा की थी और सुख दुख की वह सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, ममता को जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सिप्पी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा, वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो उस जगह का होना चाहिए। ममता को जल पीना चाहा था, लेकिन एक स्त्री ने उसे सीपी से जल पिलाया। सहसा अचानक एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा, वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो मुझे चित्र बनाकर दिया है उसी जगह का होना चाहिए। वो अपनी धुन में कहता है कि जो मिर्जा ने मुझे जो चित्र नक्शा दिया है उसी जगह का होना चाहिए। वह बूढ़िया मर गई होगी, एक स्त्री थी वो अब बूढ़ी होकर मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, मैं किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष ऊपर हो गए, उस घटना को कितने वर्ष, 47 वर्ष के ऊपर भी हो गए। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, अपने पास की स्त्री को कहा, उसे बुलाओ। ममता ने अपने विकल कानों से उस सैनिक के आवाज़ को सुना। ममता के पास बैठी हुई स्त्री को ममता ने कहा कि उस अश्वारोही की अपने पास बुलाओ। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, ममता ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मैं नहीं जानती थी कि एक दिन एक रात यानी कि एक रात जिस व्यक्ति ने मेरी झोपड़ी में आश्रय लिया था वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। वो जाते जाते वो शहंशाह यानी यह मुगल इतना कह रहा था कि मिर्जा इस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, इसलिए इस झोपड़ी की जगह एक घर बनवा देना, इतना मैंने सुना था। वो आज्ञा ऐसी आज्ञा दे चुका था, भगवान ने सुन लिया, आज मैं उसे छोड़ जाती हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने उस पथिक ने ऐसा कहा था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने मेरी सुन ली, आज मैं इस जगह को छोड़ जाती हूँ। अब तुम उसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गुरु में जाती हूँ, बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। बुढ़िया
चीर विश्राम यानी कि मृत्यु होना। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही खड़ा हो गया, अवाक खड़ा हो गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। जो बुढ़िया की झोंपड़ी पर हुमायूं एक दिन एक रात के लिए आश्रय दिया था, वहाँ अष्टकोण मंदिर बना गया, उस पर एक शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। वो अष्टकोण मंदिर में एक शिलालेख लगाया गया और उस पर लिखा हुआ था कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर इसमें ममता का कहीं नाम न था। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में याद में एक विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया था, लेकिन उस मंदिर में ममता का कहीं जगह नाम नहीं था। ऐसी थी यह कहानी ममता। तो आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दुखी होने के कारण भी अपने जीवन को संघर्षमय बनाने वाली ममता की कहानी आपने सुनी। अच्छी है। जय हिंद।